हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे भी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए। अपने सभी दोस्तों को बताइएगा बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10, और जीके का लाइव टेस्ट रहता है डेली रात को 11 बजे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियो देखनी है अनअकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज वीडियो को एंड तक देखा करें, और अगर आपको समझ में आती है तो लाइक शेयर भी जरूर किया करें। और अभी तक जितनी भी मैंने वीडियो अपलोड की है, 15 वीडियो का मैंने क्रैश कोर्स बनाया है रीजनिंग का, मैथ का और साइंस का, उन सभी की प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, और एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा है सबसे पहला, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ की PDF भी मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बहुत ही आसान है, डायरेक्शन वाला चैप्टर, इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, वो भी हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे। जानकी अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चली, वहां से वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चली, वह किस दिशा में जा रही है? तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। जानकी ने सबसे पहले किस डायरेक्शन में मूव किया? उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में वो दो किलोमीटर चलेगी, तो आप सभी को पता है उत्तर दिशा में इस डायरेक्शन में जाएगी। तो जब जानकी 2 किलोमीटर चली उत्तर दिशा में, तो कहीं ना कहीं जाके बीच में रुक गई होगी, ठीक है, मान लीजिए वो यहाँ पे 2 किलोमीटर हो गया उसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 2 किलोमीटर चलने के बाद वहां से वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चली। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ये नहीं पता चलता कि हमें मुड़ना किस डायरेक्शन में, ये कैसे पता करें? आप खुद को मान के चलिएगा, ये मैं आपको शायद कई बार बता चुका हूँ पहले भी, जब जानकी 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाएगी, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि मैं 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, तो आपका जब उत्तर दिशा में जाएंगे, मान लीजिए आप इस तरीके से गए, आपका राइट कौन सा होगा? आपका दाएं ये होगा, ठीक है, बाएं ये होगा, आपका राइट और लेफ्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो जब दाईं ओर मुड़ेगी आपका राइट साइड कौन सा होगा? ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो यानी कि आपका एक लेफ्ट साइड ये होगा, राइट साइड ये होगा। तो जब दाईं ओर मुड़ेगी यानी कि राइट साइड, मैं दोनों चीज़ आप साथ में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता दाएं बाएं, तो यहाँ पे जब राइट साइड में मुड़ेगी तो वो 1 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद फिर वो राइट साइड में मुड़ेगी, फिर दाईं ओर मुड़ेगी, तो यहाँ पे आने के बाद में अब आप फिर सोच के देखिए कि आप अगर यहाँ पे खड़े हैं तो आपका राइट कौन सा होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो 2 किलोमीटर चली। अब पूछा वो किस दिशा में जा रही है, ठीक है, ये तो पूछा है ना, और मुड़ी वह किस दिशा में जा रही है, तो दिशा कौन सी हो जाएगी? भाई दक्षिण हो जाएगी ना, बिल्कुल सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके के बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था ताकि आपको शुरुआत में समझा सकूं कि एक तो दिशा, ठीक है, पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशा होती है, सभी को पता होगा। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको कवर कराने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरीके का। एक व्यक्ति एक्स बिंदु से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर चलता है और दाएं घूम जाता है, फिर 2 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ता है और चलता है, यह बताए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? तो एक बार आप खुद भी ट्राई करिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति एक्स बिंदु से चलना शुरू करता है और पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर जाता है, तो आपकी पश्चिम दिशा कौन सी हो जाएगी? भाई ये वाली हो जाएगी ना, तो 12 किलोमीटर वो इस डायरेक्शन में मूव किया उसने, ठीक है, और फिर वो राइट साइड में मुड़ जाता है, ठीक है, फिर उसने क्या बोला है, दाएं घूम जाता है, फिर 2 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाता है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आप इस डायरेक्शन में गए हैं तो आपका दाएं कौन सा हो जाएगा? आपका राइट साइड ये हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर वो चला, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद में अब वो यहाँ पे खड़ा है, अब बोला कि बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं मुड़ जाता है इसका मतलब फिर उसी डायरेक्शन में चलना प्रारंभ कर दिया, और अब पूछा कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, बताए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? तो अभी भी वो पश्चिम दिशा में ही जा रहा है, जिस दिशा में उसने चलना स्टार्ट किया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन तो हो गए बहुत ही आसान, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे, ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका पहले एक बार आ चुका है रेलवे में ही, तो अब इसको देखते हैं कैसे करना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। राजेश दक्षिण दिशा की ओर 16 मीटर चलता है, ठीक है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। तो हम जितना पढ़ेंगे उतना ही करते हुए चलते हैं। सबसे पहले राजेश ने दक्षिण दिशा की ओर 16 मीटर चला है, ठीक है, तो हम सबसे पहले राजेश को चला देते हैं। दक्षिण कौन सा हो जाएगा भाई? नीचे को आएगा ना,
ठीक है, उत्तर दक्षिण ये वाली हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन में वो 16 मीटर चला है सबसे पहले, ठीक है, और फिर वो अब की बार मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी सी चीज़। फिर बोला है कि बाएं मुड़कर 5 मीटर चला है। अब की बार देखिए बाएं मुड़कर बोला है, तो अब जब उसका जो फेस है इस डायरेक्शन में है, तो आपका जो राइट होगा वो उसका बाएं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में मुंह है। जब ऊपर की तरफ होगा तो जो आपका राइट वो उसका राइट, जो आपका लेफ्ट वो उसका लेफ्ट। बट यहाँ पे डायरेक्शन मतलब चेंज हो जाती है, उसका जो लेफ्ट होगा वो आपका राइट होगा, और जो आपका राइट होगा वो उसका लेफ्ट होगा, समझ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला बाएं मुड़ गया है, ठीक है, तो बाएं मीन्स लेफ्ट मुड़ गया है, और आपका क्या होगा, ये वाला राइट होता है ना आपका, तो ये उसका लेफ्ट होगा, ठीक है। तो वो 5 मीटर चलता है लेफ्ट में मुड़ करके। फिर यहाँ पे बोला गया है फिर उत्तर की ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है। अब 5 मीटर तक चलने के बाद में अब वो उत्तर की ओर मुड़ जाता है। अगर वो यहाँ पे पहुँचा है, उत्तर कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये वाली, ऊपर को चलेगा और 7 मीटर चलता है। अभी वो यहाँ तक पहुँच चुका है। एक एक स्टेप पढ़ते रहिए और करते रहिए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। और इसके बाद अपनी दाई ओर मुड़कर 12 मीटर चलता है। आप अपनी दाई ओर, अब देखिए जो आपका दाएं वो उसका दाएं, जो आपका बाएं वो उसका बाएं, जो आपका राइट उसका राइट, जो आपका लेफ्ट वो उसका लेफ्ट, ठीक है। क्योंकि अभी इसी डायरेक्शन में उसका फेस है और इसी डायरेक्शन में आप अगर मोबाइल देख रहे हैं तो आपका भी फेस उसी डायरेक्शन में है ना। अगर आप पेपर पे लिख रहे हैं तो आपका भी उसी डायरेक्शन में है फेस, तो बिल्कुल सही है। वो अब मुड़ रहा है राइट साइड में, और कितना चल रहा है, 12 मीटर वो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक वो आ चुका है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है, और फिर अंत में वह बाएं घूमकर 9 मीटर चलता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूरी पर है। अभी ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं कि कितनी दूरी पर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे वो बाएं मुड़ेगा, यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ जाएगा, लेफ्ट साइड इसकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वो 9 मीटर। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो ये पूछा कि कितनी दूरी पर खड़ा है, तो पूरी डिस्टेंस ऐड कर लेते हैं ये वाली, कि अब इतनी दूरी पर। ऐसे डिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है। डिस्टेंस होती है कि वो अब सबसे कम दूरी पर कहाँ खड़ा है, ठीक है। अगर कभी पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में कि वो अब कितनी दूरी पर खड़ा है, जिस स्थान से शुरू हुआ था, तो यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पर खड़ा है, तो इनके बीच की डिस्टेंस देखिए। इनके बीच की डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, भाई आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 12 है, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसके इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल हो गए, तो ये 5 ही हो जाएगा। तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17, यानी कि 17 मीटर की दूरी पर वो खड़ा है, जहाँ पर अब खड़ा है और जहाँ से वो चला था। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 17 मीटर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझे आप इस चीज़ को, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और एक एक स्टेप को, एक एक लाइन को पढ़ते रहिए और स्टेप को करते रहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन वाला चैप्टर बहुत ही आसान होता है, बट आपको इसको छोड़ के नहीं आना है क्वेश्चन को। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि इसको पढ़ना पड़ेगा, लंबा बनाना पड़ेगा डायग्राम। बहुत से क्वेश्चन इतने ईजी आते हैं आपके एग्जाम में कि आप सेकेंडों में उनको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है आपका, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन होता बहुत इजी है और ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी बिंदु पी से रमन ने दक्षिण की दिशा में चलना प्रारंभ किया और 40 मीटर चला, वह फिर अपने बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला और एक बिंदु आर पर पहुंचा। बिंदु आर बिंदु पी से कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में है, ये आपको बताना है। दिशा भी आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पी पॉइंट से चलना दक्षिण दिशा में प्रारंभ किया, ठीक है, रमन ने, तो कितना मीटर चला, वो 40 मीटर, तो इस तरीके से कुछ चला होगा, दक्षिण दिशा आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। 40 मीटर चला रमन दक्षिण दिशा में। फिर उसके बाद वह फिर अपने बाएं मुड़कर, देखिए जब दक्षिण दिशा में जाएगा तो उसका फेस इस डायरेक्शन में रहेगा, तो जो आपका लेफ्ट रहेगा, ठीक है, वो उसका राइट रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, बाएं ओर मुड़ा है, तो जो आपका राइट होगा वो उसका बाएं हो जाएगा, यानी कि वो उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो वो इस डायरेक्शन में मुड़ेगा और 30 मीटर चला और वह बिंदु आर पर पहुँच गया। बिंदु आर से बिंदु पी से कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए इस डायरेक्शन में आया और 30 मीटर चला, यहाँ से आने के बाद में वो लेफ्ट साइड में मुड़ा और 30 मीटर चला। तो यहाँ पे न्यूनतम दूरी का मतलब ये हो जाएगा कि ये वाला आपकी, ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है, ठीक है। सबसे शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगी वो ये वाली होगी, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपका जो क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये आपको ये भी पता है, बेस भी पता है, और आपको ये निकालना है, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे भाई, बहुत ही ईजी हो जाएगा ये भी। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि क्या करते हैं हम, 40 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर कर लेंगे हम, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर आपका 1600 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 900, तो 1600 900 कितना हो जाएगा 2500, और 2500 का रूट निकालें कितना हो जाएगा 50, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ये वाली डिस्टेंस है ये किसके इक्वल हो जाएगी 50 मीटर के, 50 मीटर इज द राइट आंसर, यही पूछा है कि कितनी डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि किस आपका कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं कि ये किस डायरेक्शन में है, अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था, तो आपको यहीं पे ये प्लस का ऐसे निशान बनाना है चारों डायरेक्शन वाला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये किस डायरेक्शन में बैठ रहा है, ये वाला डायरेक्शन कौन सा होता है। देखिए, ये वाली डायरेक्शन जो आपकी होती है दक्षिण पूर्व वाली होती है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये इसलिए चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से, और ये इस तरीके से आता ये यहाँ तक आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली जो डायरेक्शन होगी आपकी दक्षिण, ये दक्षिण होता है, तो दक्षिण, और ये वाला कौन सा होता है पूर्व, तो ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व इज द राइट आंसर। तो 50 मीटर का आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, और डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी दक्षिण पूर्व, तो आपका राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पूर्व इज द राइट आंसर। तो यानी कि ये डी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन एक और। ये क्वेश्चन भी आपका कुछ उसी तरीके का है, बट ये थोड़ा अलग है, इसमें पाइथागोरस नहीं लगेगी। यहाँ पे है आपका, मनीष दक्षिण दिशा की ओर 21 मीटर जाता है, उसके इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है, पुनः वह 19 मीटर जाता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 11 मीटर जाता है, पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 19 मीटर जाता है, बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, लाइन एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। मनीष दक्षिण दिशा में 21 मीटर जाता है, तो आप कहीं से भी इसको चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया दक्षिण दिशा में, तो 21 मीटर यहाँ से यहाँ तक मान लिया मैंने, हो गया उसका। ठीक है, उसके बाद बोला गया 21 मीटर चलने के बाद, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 19 मीटर जाता है। तो आप मुझे ये बताइए, मैंने अभी आपको बताया था कि दाईं ओर मुड़ेगा, तो आप अपना राइट मत कर दीजिएगा, यहाँ पे अपना दाईं मत कर दीजिएगा, जो आपका दाईं होगा वो यहाँ पे लेफ्ट होगा। ठीक है, तो दाईं ये वाला होगा। ठीक है, जो क्योंकि ये दक्षिण दिशा में ना अपोजिट होता है, बस आपको ये सोच के चलना है कि जो आपका राइट वो उसका लेफ्ट हो जाएगा, और जो उसका लेफ्ट वो अपना राइट हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में मुड़ेगा दाएं, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट होगा और ये इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ से चलने के बाद में 19 मीटर चला है, ठीक है, 19 मीटर चलने के बाद में फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 11 मीटर चला है। अब की बार वो बाईं ओर मुड़ेगा, तो अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका बाईं कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, तो 11 मीटर यहाँ पे वो चला, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला गया है, पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 19 मीटर, फिर वो बाईं ओर मुड़ के 19 मीटर चलता जाता है, बताया कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब लास्ट टाइम वो जब चला यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो गया भाई, ये वाला 19, यहाँ से चलने के बाद भी वो बाईं ओर मुड़कर 19 मीटर चला। ठीक है, ये आपका राइट होगा बट इसका बाएं होगा। ठीक है, 19 मीटर चलने के बाद में यानी कि वो यहीं पे ही रुकेगा। अब पूछा है, अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी है, ये किसके इक्वल हो जाएगी इसकी, तो ये 11 होगी, ये हमें पता ही है 21 है, 21 और 11 कितना हो जाएगा 32, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 मीटर की दूरी पर। यानी कि उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और यहाँ पे अभी वो खड़ा है, तो ये डिस्टेंस आपकी 32 मीटर के इक्वल हो जाएगी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन जो है, ये भी कई बार पूछ लिया जाते हैं, तो इनको कैसे करना है देख लेते एक बार। यदि के को डिवाइड द्वारा प्लस को वी, यानी कि जो होगा, जो प्लस को जहाँ पे वी होगा वहाँ पे प्लस रखना है, माइनस आपको कहाँ रखना है जहाँ पे एस होगा, और मल्टीप्लाई आपको कहाँ रखना है जहाँ पे डब्ल्यू होगा। तो रख लेंगे बिल्कुल, इसको वैसे ही कर लेते हैं जैसे इन्होंने बोला है। तो यहाँ पे के है, आपको क्या रखना है डिवाइड, ठीक है, और यहाँ पे आपका वी है तो यहाँ पे आपको रखना है प्लस, और यहाँ पे डब्ल्यू है तो डब्ल्यू की जगह आपको क्या रखना है मल्टीप्लाई, और आपका एस है तो एस में आपको माइनस रखना है। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ, इसको हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करनी है इक्वेशन। तो इक्वेशन तो सोल्व करना हार्ड नहीं होता है, बट इसमें बोर्ड मास का आपको यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप बोर्ड मास का यूज़ नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि सारी इक्वेशन एक जैसी नहीं होती है, कई बार तुक्का लग जाता है, बट आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। मैं आपको सबसे पहले बोर्ड मास का रूल बता देता हूँ, ठीक है, अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो बोर्ड मास क्या कहता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। बोर्ड मास में आपका सबसे पहले कहता है कि ब्रैकेट जहाँ पे भी होगा वो आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होगा, यानी कि कोष्टक को सोल्व करना होगा, उसके बाद आपको
ऑफ वाली मल्टीप्लाई यानी कि का वाली मल्टीप्लाई जो होती है ऑफ, कई बार आपने देखा होगा लिखा, तो ऑफ वाली मल्टीप्लाई को हमें दूसरे नंबर पे सोल्व करना है। तीसरे पे आपको डिवाइड करना है, जहाँ पे भी डिवाइड दिया गया होगा तो आपको तीसरे पे डिवाइड करना है। फिर उसके बाद आप गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप एडिशन करेंगे, योग करेंगे, उसके बाद आप सब्स्ट्रैक्शन करेंगे, अंतर करेंगे यानी कि माइनस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में आपका माइनस होगा, ठीक है। एक बार बता देता हूँ, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व, फिर उसके बाद ऑफ वाली मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद एडिशन, और फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा मतलब आपके दिमाग में रहनी चाहिए चीज़ें, कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ही वर्क मतलब इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 100% राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना। तो ये मैंने आपको पहले बता ही दिया था साइन जो चेंज करने थे यहाँ पे, ठीक है। उसको चेंज करने के बाद में आप ये वाली इक्वेशन कुछ बन के आएगी, तो इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या बताया गया था, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ वाली मल्टीप्लाई वो भी नहीं है, तो दूसरे पे बताया गया था हमें, तीसरे पे सॉरी डिवाइड, तो हमें डिवाइड करेंगे। सबसे पहले यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो 6 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हम सीधा सीधा यहाँ पे इसको 12 लिख सकते हैं, इसको 24 वैसे का वैसे रखेंगे, इसको माइनस 9 रखेंगे। तो 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 36, और माइनस 9, तो 36 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका 27 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, रीजनिंग हार्ड नहीं होती है। रीजनिंग का मेथड ये है कि आप कितनी बार उसको देख चुके हैं, कितनी बार आप उसको सोल्व कर चुके हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आप करके आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा भी अलग चेंज करके दे दिया जाए तो आपको लगता है कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं हर चीज़ को कवर कराते हुए जा रहा हूँ, और जितने भी चैप्टर बचे हों 17 सितंबर तक आपके कवर करा दूंगा। बस आपको हर एक वीडियो देखनी है, आप वीडियो तो देख नहीं रहे हैं, और फिर मुझे कुछ बच्चे बोलते हैं कि आप जल्दी जल्दी कराइए, आप वीडियो तो देखिए पहले सारी, मैं बहुत सारे चैप्टर कवर करा चुका, और फिर बाद में बोलते हैं कि बच्चे की ये फिर दोबारा से करा दीजिए, इस लोग वाला चैप्टर अभी मैंने कंप्लीट कराया आपका, उसको दोबारा से बोल रहे बच्चे सर उसको करा दीजिए, लास्ट में टाइम बचेगा फिर दोबारा से करा देंगे, वैसे दोबारा नहीं होगा, अब आपका होगा मिक्स करके, ठीक है। एक बार सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाए, बीच बीच में मैं आपको मिक्स वीडियो देता रहूंगा, ठीक है, जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखिए कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये पहले एक बार पूछा गया था, इसकी एक मैं ट्रिक बताऊंगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इन फ्यूचर तो आप उसको कर सके, ठीक है। एक विद्यालय में 10 छात्र खड़े हुए हैं, यदि विद्यालय से अपने घर जाते समय प्रत्येक छात्र से हाथ मिलाए तो बताएं कि कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे, तो इसको कैसे करना है भाई, ठीक है। जब 10 छात्र हैं, ठीक है, ये आपका एन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एन और n माइनस 1 अपॉन में 2, बस आपको इतना करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। n आपका 10 हो जाएगा, जितने भी छात्र होंगे और जितने भी छात्र से हाथ मिला के जाएंगे, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, 10 इंटू 10 माइनस 1 और आपका हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 10 और 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, तो 10 से आप ये 2 से कट जाएगा, 10 आपका कितनी बार 5 टाइम, तो आपका 5 और यहाँ पे कितना होगा 9, तो 5 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा 45, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छात्रों द्वारा विद्यालय से चलते समय कुल 45 बार हाथ मिलाए जाएंगे, ठीक है। तो है ना अच्छी ट्रिक, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, सबसे पहला लिंक होगा उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, पहला या दूसरा लिंक होगा वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा उसको जरूर, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको सारी PDF प्रोवाइड कराते रहता हूँ। टाइमिंग मैंने आपको बताई दी है, देखिए टाइमिंग का ध्यान रखिए, जो मैथ का और रीजनिंग का और आपका जो बता रखा है मैंने पूरा टाइम, उसको जरूर ध्यान रखिए, उस टाइम पर वीडियो को जरूर देख लिया करिए। सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं अपलोड करता जा रहा हूँ, आप वीडियो को बहुत कम देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दिया करें, और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें, क्योंकि वहां पे मैं आपको बहुत सारे अपडेट देता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।